परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शशत नमन। गुरुदेव, आज एक जैन समाज को इतनी क्षति हुई, उसी संदेश के साथ मेरे को यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। जैन समाज के एक सूर्य श्री भट्टारक श्री चारू कीर्ति जी महाराज का आज देवलोक गमन हुआ, जिससे पूरे जैन समाज में बहुत शोक बहुत दुख की व्याप्त हो गया है। गुरुदेव चारू कीर्ति महाराज ने पूरे जैन समाज का मार्गदर्शन दिया, उनकी एक अभिनव मैनेजिंग पावर थी, जिससे उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हमारे बाहुबली जी में कराए। उन्होंने ये धर्म चक्र की यात्रा कराई, जिस समय उन्होंने इंदिरा गांधी जी ने उनको कर्मयोगी का की उपाधि भी प्रदान की थी, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए एजुकेशन के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए बहुत सा काम किया। हम पूरे परिवार गुणायतन परिवार सेवायतन परिवार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि उनके विषय में हम लोगों को बताएं। नमस्ते। देखिए, आज ये जो घटना घटी है ये पूरी जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। आना जाना तो लगा हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसकी छाप न केवल समाज अपितु पूरी परंपरा पर होती है। चारू कीर्ति जी ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे, जो सर समाज को सुग्राए। वो कर्मयोगी नहीं, यथार्थतः कर्मयोगी थे। वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किए हैं उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चार चार महामस्तकाभिषेक को उनने अपने जीवन काल में संपन्न कराया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मेरा उनसे कोई खास परिचय नहीं, पर 1988 में जब वो गुरु चरणों में आए थे तब थोड़ी देर मुझसे बातचीत हुई थी। मैंने देखा वो बड़े विनम्र गुणग्राही और साधु सेवी थे, साधुओं के प्रति उनका बड़ा अनुराग था। उस समय मैं बहुत छोटा था, मेरी दीक्षा हुई थी 1988 में, मुनि दीक्षा के एक वर्ष भी नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने जितनी आत्मीयता और स्नेह से मुझसे बात की और जो सम्मान दिया, वो इस बात का प्रमाण था कि ये व्यक्ति विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और भी संघ के साधुगण जब कभी भी वहाँ गए, उन्होंने और संघों में जो सेवा और व्यवस्थाएँ दी बहुत उत्तम है। कई बार उनके कई तरह के संवाद भी मेरे पास तक पहुँचे। खैर, ये सब कहानियाँ तो अतीत की हो गई, वे चले गए, लेकिन अपना बहुत कुछ छोड़ करके गए हैं। अब हमें चाहिए कि श्रवण बेल गोर की उस विरासत को संभाल कर रखें और उनकी गरिमा के अनुरूप जिन शासन के रथ को आगे बढ़ा सके। आना जाना लगा हुआ है, काल बली के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हमें आपको सबको एक दिन जाना है, लेकिन जाना ऐसे कि हम अपने जीवन को कुछ अच्छा कर सके और पीछे वालों के लिए कुछ अच्छा आदर्श छोड़ सके। उन्होंने ऐसा ही किया है। मैं उनके लिए यही सद्भावनाएं भाता हूँ कि वे तो अपनी सदगति पार कर लिए, इस भाव में निर्गंध पद को प्राप्त नहीं कर पाए। यद्यपि वो भावना रखते थे, लेकिन आगामी भावों में न केवल निर्गंध पद प्राप्त करे अपितु निर्गंध पद को प्राप्त करे, क्योंकि जिनवानी की उन्होंने बहुत सेवा की, जिन शासन की उनने सेवा की उसका फल भी उन्हें जरूर मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और इस दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, यही आशय।